दो दिन पहले खान साहब ने एक बयान दिया मीडिया वालों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अगर जनरल बाजवा जिसने मेरी गवर्नमेंट गिराई मैं उससे अगर दो बारी मिल सकता हूँ मैं हर किसी मैं हर किसी से बात करने पर तैयार हूँ फिर हफ्ते वाले दिन उनके ऐसे स्ट्रॉन्ग बयान आए हैं कि बंदा हिल के रह गया जहाँ उन्होंने बुशा बीबी पर जहर खिलाने का और तमाम इल्ज़ाम उठा के आर्मी चीफ पर डाल दिए ये कभी ब्लो हॉट कभी ब्लो कोल्ड ये जो चल रहा है जरा हमें ये बता दें कि अब ऑफिशियल पोजिशन क्या है अगर आज आप बात करें खास साहब से आर्मी की क्यादत क्या वो बात करने पर तैयार होंगे या नहीं होंगे बिकॉज एक दिन बात करने पर तैयार है अगले दिन जहर देने का इल्ज़ाम है जो बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है ये जो आपने सवाल किया है खान साहब जो हैं मे मेरी दानिश में जहाँ तक इल्ज़ाम तराशी की बात है बुश रीबी का इससे पहले बयान आया खान साहब की लाइफ के हवाले से कि अगर खान साहब को कुछ हुआ तो ये तीन लोग थे मवारे आपको याद होगा इसके अगली पेशी पे ये अलकादर ट्रस्ट केस में खान साहब का ये बयान आया और बुश अबी बी ने जब ये शिकायत की कि स्टॉमिक के, के प्रॉब्लम हैं और फूड पाइजनिंग या पाइजन फूड देने का उन्होंने खद का इज़हार किया जिसके बाद दो दिन कबल गवर्नमेंट ने कहा जी कि वो तो अपने डॉक्टर ने चेक करके बता दिया कि वो तो, तो आपके अपने डॉक्टर ने कहा है कि उसको कोई सबूत नहीं मिले है। नहीं ये हाँ। तो मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही है ना असल बात तो ये है कि कौन से टेस्ट हुए हैं सही आज की बात मैं बता दूं लेडीज डॉक्टर्स गए थे जिसमें एक शायद सीनियर थी और तीन और डॉक्टर्स थी और उन्होंने सिर्फ नाक चेक की मुँह चेक किया और टेम्परेचर चेक किया इससे कहाँ पर अंदाज़ा होता है कि ये इल्जाम दुरुस्त है या गलत है जब तक आप ब्लड टेस्ट ना करें और चलो वो तो लगता चीज़ है ना लेकिन मैं वो वो बात जानना चाह रहा हूँ कि एक दिन ये बयान एक दिन ये बयान अब सिचुएशन क्या है क्या किसी से बात करने पे तैयार हैं? अगर इनके पास कोई बात करने आता है या कोई बात हम सोचते हैं कि कोई बात चल रही है तो है इस पर कोई है कि नहीं बात ही नहीं होगी मेरे ख्याल में हम ये समझते हैं कि ये बात जो है ना ये इसमें सिर्फ यही एक्टर्स नहीं है यही स्टेक होल्डर नहीं है ये ऐसे भी किरदार हैं जो जब तक अपनी कंसेंट नहीं देंगे तब तक सही मानो में आपकी बात से मुझे लग रहा है ऐसे कि किरदार जो नहीं देंगे वो तो फिर इंटरनेशनल फिर आप उसी चीज पे आ रहे हैं पहले आप लोगों ने अमेरिका की बात की फिर अमेरिका से हट गए फिर ये इंटरनेशनल वाली बात क्यों करते हैं फिर उसमें आप रुकते नहीं साइफर पे हमारा वही बयानिया है साइफर से जो स्टूर्ण पहले स्टूर्ण था अमेरिका ने किया फिर आपने कहा इधर से किया अमेरिका को गुमराह किया फिर अमेरिका ठीक हो गया अब आप नहीं कर रहे हैं कि इस पूरी साजिश में कोई और भी है अमरीका के अलावा भी कोई है जी इसका कंड्यूट है कौन बस एक वो इस्लामी मुल्क है वो भी मतलब है कि अपने ही अदा कर रहा है गल्फ का मुल्क है कि मिडिल ईस्ट का मुल्क है जी मिडिल ईस्ट गल्फ का ही है आपका किस बादशाह से प्रॉब्लम है कि वो उसको आपसे मसला होगा कि वो, वो नहीं अब आपने एक साजिश और फैला दी है पहले खाली अमरीका था अब कोई बादशाह भी आया चलो मैं कहता पड़ी पी टी आई को दो सालों में वो जिस खुले अंदाज में और जिस बरबरीत से और जितने लार्ज स्केल पे हुआ मुल्क में तमाम निज़ाम को जो है बिल्कुल क्या किया, ये समझते हैं कि ये महज एक अंदरूनी एपरेटस की इंतजामिया का, का काम है या इस्टबलिशमेंट का काम है कभी उन्नीस सौ से लेकर आज तक डिक्टेटरशिप के दौरान ऐसा नहीं हुआ तो आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पिंडी के कहने पर चल रहा है पिंडी किसी और के कहने पर चल रहा है न, यानी आपको ही होगा कि हमारी तो निज़ाम मुमलिकत जो हैं वो तो अमरीका का तो बर रास्त एक किरदार है मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ अमरीका की नाराज़गी के पेश नज़र अभी तक आपके वजे अजम जो डिफेक्टिव वजराजम हैं उन्होंने अभी तक प्यूटन को सदर, सदर बनने की मुबारकबादी नहीं दी है कोई वजह समझ में आती है कि किस तरह की फॉरन रिलेशन हैं बोले हाजा इससे आंखें बंद करना कीजिए अमरीकन का कोई हमारे 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 आर्मी चीफ के बनने में भी उनका बड़ा अमल दखल होता है हमारी हकूमतों के बनाने और गिराने में उनका किरदार रहा है सारी जिंदगी तो अमरीका आप दोस्त नहीं है आप लोगों का दुश्मन है नहीं वक्त जो हमारे साथ हो रहा है हम हाँ। तो ये समझते हैं कि जो बाइडन की इंतज़ामिया है जो हैं वो इसकी प्रिंसिपल जिम्मेदार है तो आप फिर उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि ट्रंप अगर जीत गया तो हालात बदलेंगे लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि कम से कम ये अगर नहीं रहेगा तो शायद हालात ठीक हो जाए ये जो आपकी सोच है ये शेर अफजल की सोच है कि खास साहब भी इन्हीं लाइंस पे सोचते हैं पार्टी के अंदर जो डिस्कशन जो नैरेटिव्स बनते हैं जो थिंक टिंग मैंने पार्टी का तो पूछा ही नहीं मैं तो खास साहब का पूछा आप जाते हैं मिलते हैं बैठते हैं ये सारी बातें होंगी तो ये खान साहब का तो यही नैरेटिव आया है जिस केस में वो सजा काट रहे हैं साइफर केस यही तो उनका नैरेटिव है रिजीम चेंज जो है वो बाइडन का किया दरा है और इसी पे हमारी डिफेंस है आज तक तो हमारा ये नैरेटिव है जी मुझे कुछ थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कभी आप अमेरिका ठीक है कभी अमेरिका गलत है फिर अब गलत नज़र आ रहा है फिर हमें इस्टेबलिशमेंट में गिराया हम बिल्कुल अपने बयानी में हैं फिर ख़बर आती है कि आपकी पूरी काबीना के पी की वो जाके कोर कमांडर से मुलाकात करती और पूरी ब्रीफिंग सब कुछ होती है मैं आपके चेयरमैन से पूछता हूँ यहीं एक इंटरव्यू में अभी क्लिप भी चला दूंगा मैंने कहा वो ऐसी मुलाकात हुई उनका नहीं हमारी मुलाकात ही नहीं हुई फिर बैरिस्टर साहब बयान देते हैं वो भी चलाएंगे वो कहते हैं कि हाँ जी हुई पूरी ब्रीफिंग हुई सब कुछ हुई तो ये फिर कॉन्ट्रोडिक्शनस क्यों है अगर कोई बुराई नहीं है अगर नेशनल सिक्योरिटी और इश्यूज पे ब्रीफिंग होती है काबीना की होनी चाहिए वजीर आला हैं गंडापुर साहब जाएँ केपी में सबसे ज्यादा इस चीज का अफेक्टेड प्रॉवेंस है तो फिर ना करने की पहले क्या बात ही? सिचुएशन में सवाल तो आप लोग खुद डालते हैं ना पहले तो मैं इसकी तस्दीक करता हूँ मुलाकात हुई है हाँ। शायद मेरे गौर साहब को उस वक्त अपडेट ना किया गया हो जब आपने सवाल पूछा था मुलाकात क्यों हुई है मुलाकात इसलिए हुई है कि जो पार्टिसिपेंट्स वहां पे थे और जिनको जो ब्रीफिंग आ, कोर कमांडर साहब ने दिए वो सूबे के स्पेसिफिक जो हालात है मिलीटेंसी बॉर्डर के हालात अफगानिस्तान के हालात और जो चीज अलार्मिंग है वो ये है कि सूबे में अमन अमान के मुस्तकबिल में बिगड़ने के के पेश नजर बुरा है तो उस मीटिंग के मुझे कोई इतराज नहीं मैं कह दू बड़ा अच्छा है लेकिन मुझे लगता है कि आपकी पार्टी में हर कोई अपना अपना चौधरी है अब इतनी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग है जहाँ पूरी काबीत जाएगी चीफ मिनिस्टर जाएगा और पता है कि जब कोर कमांडर के पास जाएंगे तो पूरे मुल्क में उस पर स्पेकुलेशन होगी ओहे पी वाले बैठ गए फौज के साथ ये एक नॉर्मल चीज़ है आपके चेयरमैन को पता ही नहीं है और वो फिर उस पर इंकारी भी है या तो कह देते मुझे नहीं पता उन्हें कहा नहीं 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 ये बात गलत है फिर उनको ये नहीं पता कि वो चेयरमैन होकर लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों नहीं है फिर चेयरमैन का ये नहीं पता कि वो पॉलिटिकल कमेटी में चेयर क्यों नहीं है बंदा है चलें हाउस में तो आपको एग्रेसिव आदमी चाहिए उमर मूब जबरदस्त आपने भी तारीफ की और भाई अपनी कमेटी के अंदर तो आपकी कोई एग्रेसन नहीं चाहिए ना वहाँ तो एक स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब है कि जो आपके चेयरमैन हैं बिल्कुल नाम के चेयरमैन हैं इनको तो कोई इनके पास किसी भी किस्म की अथॉरिटी नहीं है तो इनको बताना भी नहीं आप पूछता भी नहीं मुनासिब समझता इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले सही में जो हमारा सेटअप है मौजूदा वक्त में वो है इंटरिम और चेयरमैन साहब या जो काबीना है हमारी पार्टी की जो ऑफिस बियर हैं उनका काम खान के अकाम हमारी पार्टी तक पहुँचाने हैं यानी इसमें अपनी ज़ात की हद तक कोई डिसीजन लेने का जो किरदार है या जो रोल है वो बड़ा महदूद है खान साहब की ख्वाहिश है फलां को चेयरमैन बनाना है तो बना दिया तो लिहाजा इसमें चेयरमैन साहब का या गौर साहब का कोई अपना अथॉरिटी को एजर्ट करना जो है वो साफ सी बात है फैसले खान साहब कर रहे हैं तो लिहाजा ख़ान साहब के होते हुए अगर वो फैसले कर रहे हैं तो बड़ा ही अगर, अगर अमरीका आपके ख़िलाफ़ है अगर मशक़ वस्ता का एक बहुत बड़ा बादशाह आपके ख़िलाफ़ है मुझे तो वहाँ पर एक ही मुल्क सऊदी साउ ही नज़र आता है हाँ या ना, आप हाँ यहाँ आप मैं आपसे नहीं पूछूंगा ये सब कुछ ख़िलाफ़ है यहाँ पर आपकी इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल बातचीत नहीं बन रही तो फिर आपको ख़ास साहब अगले छः आठवा साल बाद में बाहर आते नज़र आते हैं ख़ान साहब का बाहर आना अदालती नुक़ नज़र से तो अब हफ्तों की बात है दो से तीन हफ्ते में उनको अब आना चाहिए जो क्योंकि मैं उनके ही लीगल टीम का एक हिस्सा भी हूँ और जो जिन चार केसेस में एक केस में उनको सज़ा मतल हो चुकी हैं दूसरे केस में तोशाखाना जो पहला था दो तोशाखाना रेफरेंस में सज़ा मतल हुई है अब रहते हैं दो एक है साइफ़र का केस और एक है आ, इद्दत का केस